हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिएटिन के बारे में। तो क्रिएटिन क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या काम करता है हमारे बॉडी में और बॉडी बिल्डिंग में ये इतना हेल्पफुल क्यों है, तो ये सब आज जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले द फर्स्ट यूज ऑफ क्रिएटिन क्या है। सो बेसिकली पहला यूज क्रिएटिन का होता है सेलुलर एनर्जी डिमांड रेगुलेशन। सो इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली हमारे बॉडी में जो सेल्स है, देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, तो हमारे बॉडी में जो सेल्स है तो इनके फंक्शनिंग के लिए जो इन्हें एनर्जी चाहिए तो उसे रेगुलेट करना, मतलब ये एनर्जी उसको सप्लाई करना, ये काम करता है क्रिएटिन। अब ये काम क्रिएटिन कैसे करता है वो लेट्स सी। सो बेसिकली ATPs, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करता है? सो बेसिकली ATPs हमारे बॉडी में हमें एनर्जी सप्लाई करता है। तो मान लीजिए हम वर्कआउट कर रहे हो, या फिर हम टीवी देख रहे हो, या फिर हम कोई भी काम कर रहे हो, या हमारे बॉडी की जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जैसे रेस्पिरेशन हो, या फिर ब्लड फॉर्मेशन हो, या फिर बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रांसमिट करने के लिए, इन सब के लिए वी नीड एनर्जी। तो ये जो एनर्जी होती है ये सप्लाई हमें करता है ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसीलिए ATP को माना जाता है हमारे बॉडी में पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ये हमारे बॉडी का पावर हाउस ऑफ एनर्जी है। ये हमें हर एक काम के लिए या हर एक बॉडी की बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ये हमें सप्लाई करता है। तो अब क्रिएटिन इसे कैसे लिंक्ड है वो मैं आपको बताऊंगा। तो अस्यूम कीजिए ये हमारा ATP है, आप जैसा है, जैसा भी हो, जैसा है हमारा है। सो बेसिकली मान लीजिए ये रहा हमारा एडिनोस का मॉलिक्यूल और ये तीन फॉस्फेट बॉन्ड्स जो इससे लिंक्ड होते हैं। अब व्हेनेवर वी वर्कआउट, या फिर जैसे मैंने बताया हम कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल चलो पुशअप लीजिए, तो जब भी हमें पुशअप करना हो तो जो एनर्जी चाहिए तो वो हमें आएगा ATP से। लेकिन वो कैसे आता है? सो बेसिकली जब भी आप पुशअप करने जाओ तो जो ये तीसरा बॉन्ड होता है फॉस्फेट का, ये तीसरा बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। सो बेसिकली जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ से जो निकलेगा वो होगा एनर्जी। सो बेसिकली आप ये कह सकते हैं जैसे ये जो सेकंड फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है, ये थर्ड फॉस्फेट जो हमारा कंपाउंड है, सॉरी मॉलिक्यूल है, तो उसे किक कर देता है और एनर्जी रिलीज करता है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी वी आर एबल टू डू पुशअप, या फिर कोई भी दूसरा एक्सरसाइज हो, या फिर कोई भी काम हो। सो बेसिकली दिस इज हाउ ATP वर्क्स। अब क्या होता है, जब भी ये जो तीसरा फॉस्फेट बॉन्ड जो था जो अब इन्होंने किक ऑफ कर दिया है, तो उसके बाद अब ये बचता है ADP, सो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ADP हमें कोई भी एनर्जी नहीं दे सकता, इट इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अस एनी एनर्जी। सो बेसिकली अभी ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा यूजलेस है। सो बेसिकली हमें एनर्जी देने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं हमें प्रोलॉन्ग एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमारे वर्कआउट्स के दौरान, इसे अब चाहिए होगा और एक फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये एनर्जी हमें मिलती है क्रिएटिन से। सो वो कैसे मिलती है? सो बेसिकली जो क्रिएटिन होता है हमारे बॉडी के अंदर, इट इज स्टोर्ड एज फॉस्फोक्रिएटिन, या फिर क्रिएटिन फॉस्फेट। सो बेसिकली ये क्रिएटिन फॉस्फेट के जो स्टोर्स है वो हम सब में हमारे मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो ईदर यू आर सप्लीमेंटिंग इट विद अ क्रिएटिन और नॉट, बेसिकली ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट के जो स्टोर्स है हमारे मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इट्स जस्ट दैट व्हेन वी टेक क्रिएटिन ये 20% से बढ़ जाते हैं। सो या बैक टू द पॉइंट, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो क्रिएटिन गेट स्टोर्ड एज क्रिएटिनिन फॉस्फेट या फॉस्फोक्रिएटिन। सो ये हमारे मसल के अंदर स्टोर होगा। अब एज यू कैन ऑलरेडी प्रेडिक्ट, इसके अंदर एक फॉस्फेट बॉन्ड है और हमारे बॉडी में
बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज जो हमने एक एटीपी लूज किया था, बेसिकली एक फॉस्फेट बॉन्ड जो लूज किया था जिससे एटीपी एडीपी बन गया था, तो उसे भी एक फॉस्फेट ग्रुप की जरूरत है। तो ये कहाँ से आता है? तो ये क्रिएटिनिन फॉस्फेट से। So that's how creatine will give us the energy that we need. अब इससे क्या होगा? इससे during the workouts आप अगर शायद 9 reps या 10 reps में fatigue हो रहा होगा आपके muscle का, तो ये और एक या दो reps के लिए आपको वो extra energy देगा। So उससे क्या होगा? आपके workout में basically आपकी work capacity बढ़ जाएगी। जहां आपके 9 या 10 reps जा रहे थे, वहां आपके 11 या 12 जाएंगे। So it's increased work capacity. तो second use of creatine क्या है? Basically creatine increases your lean muscle mass. तो ये कैसे करता है? So basically ये concept है intracellular water retention. So whenever you take creatine, जब भी आप creatine लेते हो, तो creatine क्या करता है? Basically creatine आपके body में जो fluid है, जो water है, इसे ड्रॉ करता है आपके मसल सेल्स के अंदर। सो इट विल ड्रॉ ऑल द फ्लूइड, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी ऑफ द फ्लूइड इनसाइड योर मसल्स। इससे क्या होगा? एक तो फ्लूइड प्लस उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स, तो ये दो चीजें जो होती है वो आपके मसल्स के अंदर जा रही है। सो दैट्स व्हाई आपके मसल को एक राउंडनेस आएगा और एक फुलर या डेंस अपीयरेंस आएगा। सो बेसिकली इस तरह ये आपके मसल मास को इंक्रीज करता है। So next part, dosages of creatine. बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि when the start of with creatine, वो 10 ग्राम, 15 ग्राम या 20 ग्राम लेते हैं, और some people continue with the same doses. So basically, आपके body में creatine phosphate के जो stores हैं, वो limited होते हैं. It's not going to increase. All you are going to do with creatine supplement is fill them up. So basically जितना स्टोरेज है creatinine phosphate का उतना ही रहेगा। आप बस क्या कर रहे हो, इसमें ये स्टोरेज जो है ये फुल करने वाले हो विद creatine supplement। तो एनीथिंग यू टेक एक्स्ट्रा इज गोइंग टू कॉज अ प्रॉब्लम, और मे बी वो एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसके थोड़े से इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। सो आइडियली आपको कितना क्रिएटिन लेना चाहिए? तो आइडियल डोसेज ऑफ क्रिएटिन इज 3-5 ग्राम्स। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको नॉन वेज फूड आइटम से 1-2 ग्राम क्रिएटिन ऑलरेडी मिलने वाला है आपके बॉडी में। योर मसल आर गोइंग टू स्टोर दैट क्रिएटिन। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है विद क्रिएटिनिन फॉस्फेट, तो तब यू कैन सप्लीमेंट इट विद 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन हो, उन्हें 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन इज एब्सोल्युटली सफिशिएंट, और एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज आई सेड, जो क्रिएटिनिन फॉस्फेट के जो स्टोरेज है हमें उसे फुल कर रहे हैं। देन देयर आर पीपल हु आस्क कि क्या हमें इसे लोड करना चाहिए, यानी लोडिंग फेज में हमें जाना चाहिए विद क्रिएटिन। तो एक्चुअली देयर इज नो नीड फॉर लोडिंग फेज। आपको क्रिएटिन यानी फर्स्ट वीक में लोग दिन में 3 बार 10-10-10 ग्राम्स क्रिएटिन लेते होंगे, या 5-5-5 या 15-15-15 लेते हैं फर्स्ट वीक ऑफ द साइकिल। सो बेसिकली यू डोंट नीड टू, आपको ज़रूरत नहीं होती है क्रिएटिन लोड करने की। जैसे मैंने कहा, इट इज़ क्रिएटिनिन फॉस्फेट स्टोरेज। सो बेसिकली अगर आप 5 ग्राम से भी ले रहे हो तो आफ्टर 1 वीक, मे बी इट विल टेक 2 वीक्स, बट वो पूरा स्टोरेज फिल होने वाला है। सो एज सच आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है क्रिएटिन लोड करने की। और इसमें ही दूसरी चीज है कि क्या क्रिएटिन साइकिल करना चाहिए। सो बेसिकली इस पे भी रिसर्च सेज देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड टू। आप इसे साइकिल अगर नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसे आपके बॉडी को जितना क्रिएटिन चाहिए उसी रेंज में ले रहे हो तो आपको साइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको साइकिल करना है क्रिएटिन तो भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसकी जो साइकिल्स होगी वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, यूजुअली आई विल स्टार्ट विद 2 मंथ्स ऑफ क्रिएटिन और उसके बाद आई विल स्टॉप फॉर 3 वीक्स। सो 2 महीना मैं क्रिएटिन लेता हूँ, उसके बाद 3 वीक्स तक मैं बंद कर देता हूँ।
लेकिन एनी विच वेज यू वॉन्ट आप ये साइकिल डिजाइन कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं या क्रिएटिंग आप विदाउट साइकिल भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। नेक्स्ट, विच क्रिएटिन सप्लीमेंट टू बाय, देर आर मेनी फॉर्म्स। अगर आप मार्केट में जाओगे तो अलग अलग फॉर्म है क्रिएटिन के, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, क्रिएटिन सिट्रेट, क्रिएटिन नाइट्रेट। लेकिन आई थिंक व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, आप स्टार्ट कीजिए विद क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और यूज माइक्रोनाइज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। माइक्रोनाइज में कैसे होता है तो इट्स फाइन पाउडर फॉर्म, माइक्रोनाइज पाउडर फॉर्म ऑफ क्रिएटिन। सो इससे क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है बॉडी में। तो दैट्स वाई वेन एवर यू आर गोइंग टू बाय अ क्रिएटिन सप्लीमेंट, मोस्टली गो फॉर अ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्रिएटिन जब भी आप ले रहे हो तो साइंटिफिक रिसर्च सेज कि वेन एवर आप क्रिएटिन ले रहे हो तो आपको उसे सप्लीमेंट करना चाहिए विथ समथिंग इंसुलिनोजेनिक। यानी इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब एनी फूड और ड्रिंक दैट विल इंक्रीज योर इंसुलिन लेवल्स। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन जो आपका स्टोरेज हार्मोन है, सो बेसिकली ये आपके क्रिएटिन को ले जाएगा मसल के अंदर। सो इसके लिए बहुत सारे लोग इसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स के साथ सप्लीमेंट करते हैं, लेकिन उस पर भी रिसर्च हुआ है कि इवन इफ यू सप्लीमेंट इट विद प्रोटीन, तो प्रोटीन हैज ऑल्सो गॉट द सेम इंसुलिनोजेनिक इफेक्ट। सो प्रोटीन भी आपका वही इंसुलिन लेवल स्पाइक करेगा जो कार्बोहाइड्रेट्स करता है। तो इसीलिए यू कैन सप्लीमेंट इट विद प्रोटीन ऑल्सो, एज वेल एज यू कैन सप्लीमेंट इट विद एनी कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक और फूड ऑल्सो। सो दैट्स इट। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और आपको अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा उस पर भी वीडियो जल्द से जल्द बनाऊँ।